इन बच्चों से फ्यूचर में हमें क्या एक्सपेक्ट करना है? तो देखिए, मैंने ऑलमोस्ट 15 साल यूके में काम किया हुआ है और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ग्लोबल डेवलपमेंट डिले था या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम थी जैसे डाउन सिंड्रोम, तो उसमें पेरेंट्स ने बहुत चिंता नहीं करते हुए बच्चों का जो भी मेडिकल कॉज था, जो चीज़ें ठीक हो सकती थी उसको ठीक किया और बच्चों को स्कूल के माध्यम से शिक्षा जारी रखी, उनको बेसिक स्किल्स सिखाए। और मैंने देखा है कि ऐसे बच्चे आर्ट में अच्छा करते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स हैं, इवन रिसेप्शन या कोई भी मार्केट प्लेस में जो बेसिक काम है उसमें वो अच्छे से कर सकते हैं, कंप्यूटर स्किल्स सीख सकते हैं और एक एम्प्लॉयमेंट सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ गेन कर सकते हैं। ज़्यादातर उनकी पर्सनैलिटी बहुत प्यारी होती है और आप उनके साथ अगर टाइम स्पेंड करें तो वो बच्चे सोशल भी होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉज, मतलब जिस कारण से उनमें ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है उस कारण से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, मतलब वो कितने साल उनकी लाइफ रहेगी। तो बहुत कंडीशंस में लाइफ 50 ईयर्स 60 ईयर्स रहती है, कुछ कंडीशंस में जब बहुत सीवियर हो या मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व हो उसमें लाइफ थोड़ी कम हो सकती है। जितनी भी लाइफ हो इस कंडीशन में बच्चे सीखना नहीं छोड़ते हैं, हालांकि उनको सिखाना कठिन होता है। तो जो बच्चों में ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है वो 6 साल से छोटे अगर होते हैं तो हम उन्हें ग्लोबल डेवलपमेंट डिले कहते हैं। अगर उनमें ग्लोबल डेवलपमेंट डिले 6 साल के बाद कंटिन्यू रहता है तो हम उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। तो वही चीज़ अगर 6 साल के नीचे है और बच्चा हर एरिया में अपने माइलस्टोन्स में पीछे है तो उसका मतलब है ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। मगर अगर बच्चा पूरी तरह से रिकवर हो जाता है 6 साल के बाद तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं कहते, बट अगर नहीं कर पाता है तो उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। ये सब नाम का पर्पस सिर्फ ये है कि हम ये डिस्क्राइब कर सकें कि बच्चे में जो हो रहा है वो क्या है, कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व हैं, और अगर हम उसका कॉज समझ सकते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि बच्चे का बाद में प्रोग्नोसिस क्या है, वो कितना ठीक हो सकता है। और यहाँ पे हम जो डायग्नोसिस बता रहे हैं उससे बच्चे के ट्रीटमेंट में बहुत आराम हो जाता है, क्योंकि हर बच्चे की कंडीशन अलग है, हर बच्चे का डायग्नोसिस अलग है। तो उसके लिए उसका घर में जो प्रोग्राम है और यहाँ पे जो इंटरवेंशन है वो एक नहीं हो सकता। और जो समय लगता है कोई स्किल सिखाने में, किसी में ग्लोबल डिले में या किसी में ऑटिज़म में या किसी में कुछ और में, वो अलग होता है। तो हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जानें कि आपका बच्चा किस स्टेज में है, किस जगह में है अपने डेवलपमेंट के एरिया में, और फिर किस इंटरवेंशन से कितना दूर तक पहुंचता है। तो जब इस प्रोग्राम में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाता है कि मेरा बच्चा यहाँ पर था और यहाँ से अभी यहाँ पर आया है और यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचेंगे। और यहाँ पर हम लोग हर एरिया में बच्चे की एबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ उसका जो कॉन्फिडेंस और मोरल है उसको भी बढ़ाते हैं। साथ में हम ये भी करते हैं कि उसको डेली स्किल्स आ जाएं ताकि वो लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सके। यही बच्चों का ट्रीटमेंट है जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, और इसको फॉलो करने से बहुत सारे बच्चे लाइफ में इंडिपेंडेंट स्किल्स गेन कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। तो इन बच्चों में हम कौन सी दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं और कौन सी दवाइयाँ हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए? तो बहुत समय में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये पी लीजिए या वो पी लीजिए या हॉर्लिक्स, और मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई एविडेंस नहीं है कि कोई ऐसा सप्लीमेंट देने से बच्चों का ब्रेन जो है वो बेटर हो जाता है। और बहुत समय में जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो टेम्प्रेरी या कुछ समय के लिए बच्चे में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं, बट उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट पे कोई स्टडी नहीं हुई है और कभी कभी फ़ायदे की जगह वो नुकसान ज़्यादा कर देते हैं। तो बिना समझे आप कोई भी सप्लीमेंट्स
चाहे वो आयुर्वेदिक में हो, चाहे होम्योपैथिक में हो, चाहे वो कोई कॉमर्शियल प्रोडक्ट हो, उसको देने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें आपको देनी चाहिए वो अपने डॉक्टर के एडवाइस पे, अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन दे सकते हैं, अगर बच्चा फल सब्जियां नहीं खाता है, अगर बच्चा हर तरह के खाने को इंजॉय नहीं करता तो कुछ समय के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स दिया जा सकता है। बच्चों में विटामिन डी और कैल्शियम भी कुछ समय तक दिया जा सकता है, स्पेशली जब वो ग्रोइंग एज में हो, और ये चीज़ आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। अगर बच्चों में थायराइड की कमी है तो डॉक्टर उसको चेक करके उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, और अगर बच्चा थायराइड की दवाई खा रहा है तो हर 6 महीने में बच्चे की जांच होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि थायराइड का लेवल जो है वो स्टेबल है। इसके साथ साथ अगर बच्चे में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें उसको कोई और दवाई खाने की ज़रूरत है, या उसको एपिलेप्सी की समस्या है, सीजर की समस्या है, तो उसमें आपके डॉक्टर आपको दवाई खाने को बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि कोई भी दवाई आप बच्चे को दें तो आप डॉक्टर से एडवाइस ले लें, और किसी भी तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं या बच्चे को सप्लीमेंट्स के लिए बोल रहे हैं उसका कोई भी एविडेंस नहीं है। कोई सप्लीमेंट्स अगर ऐसा आता है जिससे बच्चे को ब्रेन डेवलपमेंट में फ़ायदा है तो उसको हम ज़रूर आपको बताएंगे और रिकमेंड करेंगे। अभी के लिए 2019 में यही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो ग्लोबल डेवलपमेंट डिले में स्कूल में क्या करना चाहिए? तो ग्लोबल डेवलपमेंट डिले में हमेशा बच्चे को अगर हो सके तो स्मॉल ग्रुप के स्कूल में डालें, और जहां बच्चे की तरह और बच्चे भी थोड़े से हों जो जिनको थोड़ी सी और हेल्प चाहिए, तो उस ग्रुप के कॉम्बिनेशन में बच्चा थोड़ा ज़्यादा प्रॉस्पर करता है। अगर वो ऐसे ग्रुप में है जिसमें कुछ बच्चे बहुत तेज हैं या बहुत तेज दौड़ते हैं या बच्चे को धक्का दे सकते हैं, तो उस तरह के ग्रुप में बच्चे को ना रखें, क्योंकि इससे ग्लोबल डिले के बच्चे डर जाते हैं। तो स्कूल्स और प्री स्कूल्स जल्दी शुरू करने चाहिए, और छोटे ग्रुप में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी चीज़ अगर स्कूल सिखा रहा है तो स्कूल को कोशिश करनी है कि मल्टीपल तरीके से सिखाए, मतलब सिर्फ बोल के पढ़ाने से ये बच्चे नहीं सीखेंगे, इनको दिखाना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, और उसके साथ साथ बच्चे के साथ वही एक्टिविटी बार बार करनी भी पड़ेगी। वैसा करने से बच्चे वो चीज़ सीख जाएंगे और सही कॉन्फिडेंस लेवल से उस चीज़ को कर पाएंगे। कभी कभी जो मेन स्ट्रीम स्कूल हैं वो ग्लोबल डेवलपमेंट डिले के बच्चों को लेके कोप अप नहीं कर पाते। अगर वो एडमिशन लेते भी हैं तो कुछ समय बाद उनका ये मानना है कि ये बच्चे स्कूल में कोप अप नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे जिनको ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है, अगर वो स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल को पहले से बताएं और कोशिश करें कि स्कूल में थोड़ी सी फिजियोथेरेपी, थोड़ी सी हैंड मूवमेंट, हैंड राइटिंग या हैंड एक्टिविटीज़ के लिए कुछ एक्टिविटीज़, साथ में थोड़ा सा स्पीच के लिए भी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। उसके साथ साथ एजुकेशनल एक्टिविटी कई तरीके से करनी चाहिए और थोड़ा समय देके करना चाहिए। बच्चे के साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा हेल्प हो मिल जाए या कोई एक्स्ट्रा टीचर रहे जो बच्चे को 1-to-1 थोड़ा सा समय दे सके, एक साथ बैठ के बच्चे के साथ काम कर सके, तो बच्चे में रिज़ल्ट ज़्यादा जल्दी आता है, ज़्यादा अच्छे से आता है, और स्कूल में बच्चा फ्लरिश करता है, बहुत अच्छा कर सकता है। तो स्कूल से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चों को पहचानें, और अगर उनको आप मेन स्ट्रीम स्कूल में सपोर्ट से कुछ समय रख सकते हैं तो हो सकता है कि आगे भी वो मेन स्ट्रीम स्कूल में सपोर्ट से कंटिन्यू कर पाएँ और हर बच्चे को स्पेशल स्कूल भेजना नहीं पड़े। अगर बच्चे में ग्लोबल डेवलपमेंट डिले बहुत ज़्यादा है और कोई ऐसी कॉज है जो बच्चे की डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो उस बच्चे में स्पेशल स्कूल विद अ क्लियर प्लान कि क्या आप गेन करना चाहते हैं भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट ज़्यादातर स्पेशल स्कूल में अगर एक क्लियर प्लान नहीं है, बस बच्चा जा रहा है और बैठा हुआ है और ज़्यादा कुछ क्लियरली सीख नहीं रहा है, तो आप
कोशिश करें कि ऐसी जगह बच्चा जाए जहाँ पे दोस्त बना सके, थोड़ा खुश रह सके, कुछ एक्टिविटीज़ कर सके और कुछ सीख सके ऐसा जिससे कुछ सालों में बच्चा इंडिपेंडेंट स्किल्स को गेन कर सके। तो स्कूल का रोल बहुत क्लियर है, साथ में काफ़ी सारा काम उस बच्चे के लिए यहाँ पे हम लोग भी करेंगे और स्कूल के साथ मिलके हम लोग काम करना चाहते हैं।